सो ये आई एम बोधगया, आई एम संबलपुर, ये सब कैसा कॉलेज है? तो आई एम बोलेंगे इस बार आई एम बोधगया में आपको दो डिपार्टमेंट ऐड हो चुका है, मतलब MBA इन डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट एंड आपको MBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। उसमें 90+ सीट 150 सीट है, बट रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। इसमें थोड़ा सा आपको आई एम बोधगया में क्या हुआ ना, आपको वेट लिस्ट मूवमेंट हो चुका है, ठीक है, दूसरा आई एम में जो वो भी नहीं हुआ। एंड आई एम संबलपुर का बात करेंगे तो वहाँ पर इस बार हाईएस्ट पैकेज जा चुका था 62 लाख, बट हाउ ओवर इट इज़ आई एम संबलपुर में क्या है ना, एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट 13 से 15 लाख के बीच में वेरी किया, 18 लाख के बीच में वेरी किया, ओके। तो आई एम बोधगया की बात करेंगे तो इट इज़ ए वेरी गुड आई एम नाउ इट इज़, बिकॉज हो सकता है कि आपको कहीं वेट लिस्ट नहीं मूवमेंट हो रहा है, आप कितना बार कैट दोगे यार, कैट देखे देखे पागल हो जाओगे, आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ एडमिशन ले सकते हो आई एम बोधगया में, दैट इज डायरेक्ट MBA है, MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट में है, MBA इन डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट में। हाँ आपको, मेरे को अगर पूछा जाएगा जैसे कि ना आपको वो सब कोर्स कैसे है, मैं अगर बोलूँगा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्या है ना आज का डेट में डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट डिजिटल मार्केटिंग का एरा चल रहा है, ठीक है ना, आप मूव कर सकते हो, क्योंकि क्या हो रहा है ना, बिल्कुल आपके पास इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होंगे, जैसे कि ना डिजिटल मार्केटिंग का एरा, मतलब क्या ना जो आपको सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है या आपको सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ जुड़े हुए आपको CSIT पढ़ रहा है उसको बहुत सारा चीज़ों के बारे में पता होंगे, क्योंकि फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट फॉर द डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट, ओके। तो आए उदयपुर में भी एक कोर्स है डिजिटल एंटरप्राइज मैनेजमेंट बोल जिसमें 48 लाख हाईएस्ट पैकेज जा चुका है। तो MBA 25 जो होगा, मतलब इस वक्त चालू हुआ, मतलब दो साल का कोर्स है, उस टाइम देखिएगा प्लेसमेंट आपको बहुत हाई जा रहा है, हो सकता है कि जो नॉर्मल जो MBA जनरल मैनेजमेंट में उसका लिए स्पेशलाइजेशन आपको MBA डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, ऐसा होता रहता है एज बिकॉज दैट कोर्स इज लाइक दैट, ओके। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, जो आपको कैट 23 के एस्पिरेंट्स हो एंड जो आपको इस बार कैट दे चुके हो उसको थोड़ा सा वेट करना बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मूवमेंट तो होगा ही, बिल्कुल आई एम बोधगया ऐसा नहीं है, मतलब क्या ना उसका पैरालल बहुत सारा जो पुराना स्कूल है चलता है, जैसे कि ना आपको FMSD भी होंगे, उसके बाद आपके MBA गुड़गांव है, बहुत सारा आपको IITs है पैरालल, मतलब उसका पहले चला जाएगा फिर उसको जाएगा, क्योंकि वो बेबी IIM का अंदर में आता है, एंड इट इज़ नॉट ए TR1 IIM, दैट इज़ ऑल्सो एन IIFT चला जाएगा, कुछ स्नैप में चला जाएगा, तो ऐसा होता रहता है। इस बिकॉज की है ना जो इसका बारे में मैं बोल रहा हूँ, आई एम संबलपुर का, संबलपुर nowadays a very good college, आपको इस बार 18 लाख का फीस हो गया, 13 लाख से ज़्यादा हो गया, एंड आपको एवरेज पैकेज इज ऑलमोस्ट 15 लाख का वेरी करता रहता है, एंड हाइस्ट पैकेज इस बार है 62 लाख्स, ओके। तो आप लोग आई एम संबलपुर में ऑप्ट कर सकते हो अगर आपके पास मिले होंगे तो, लेकिन मैं आपको स्पेशलाइजेशन जो कहना बिजनेस एनालिटिक्स है उसके बाद ऐसा जो है जो आई एम में मिल रहा है उसको मैं बोलूँगा थोड़ा सा ध्यान से लीजिए, क्योंकि आपको MBA जनरल मैनेजमेंट में करना बहुत ही ठीक रहेगा रेदर देन अदर सब्जेक्ट, मतलब क्या ना आपको स्पेशलाइजेशन को देना पड़ेगा, उसके लिए मैं बोलूँगा HR बहुत अच्छा है अदर देन सब्जेक्ट, बिकॉज स्कोप इज़ वेरी हाई, एंड अगर आप वहाँ पर यहीं काम कर नहीं पाओगे, वहाँ पर जगह फंस जाओगे, ऐसे ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मत फंसो, लेकिन क्या ना काम बनाओ। तो इसलिए आई एम बोधगया एंड आई एम संबलपुर nowadays a very good college, आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, एंड मेरे को पूछा जा रहा है कि कमेंट बॉक्स में should I go or not, मेरे को ईमेल करके पूछ रहा है, मेरा टेलीग्राम चैनल मैं दे दिया हूँ, उसमें आप लोग कनेक्ट हो जाइए, वहाँ पर आपको बिल्कुल आपको मतलब क्या नया नया इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहता है, ठीक है। सो वन सेकंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।